इंडिया ने अपना एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम जो है वो उन्होंने जो सदरन स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है। लेकिन इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज फॉर चाइना, हमारे लिए भी हो सकता है और है भी, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, याद रखिए। इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखना ये इसकी कोई क्या है। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम जो है वो उन्होंने जो सदरन स्टेट ऑफ केरला है वहां से उन्होंने ट्रायल्स पे जो है वो लॉन्च किया है और वो ऑपरेशनल है यानी के, और इंडियन नेवी जो है उस पे उन्होंने काफी काम किया और वो कहते हैं कि बड़े कम लोगों के पास इस तरह की कैपेबिलिटी है। तो कि इंडिया जो है वो अपनी कैपेबिलिटी तो एनहेंस कर रहा है, लेकिन इंडिया का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर इज फॉर चाइना, हमारे लिए भी हो सकता है और है भी। ठीक है, इंडिया का अपना फैसला है और वो एक इंडिया टू डिप्लॉय नेवल टास्क फोर्स इनटू साउथ चाइना सी एंड बियॉन्ड। ठीक है, इंडिया ने अपने 4 जहाज जो हैं वहां पे भेजने का फैसला कर दिए, बहरी साउथ चाइना जहाज, सी। और बहरी जहाज उनके 2 माह। अच्छा, यानी अब वो क्वाड के साथ और बाकी वो उनके साउथ चाइना सी में पहुंच गए। जो नेवी है वो 4 जहाज हम भेज रहे हैं साउथ चाइना सी में। अब देखिए ना, ANI वाले खबर दे रहे हैं, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, इंडियन नेवी टू डिप्लॉय 4 वॉरशिप्स इन साउथ चाइना सी। देखिए ना ये इसकी कोई क्या है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें USA है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे, और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2.5 बिलियन आप इसके भी लगा लें, तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं, और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है एक साल का दिफा का वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा मिटाने के दर। इंडिया अपने आप को कर तो रहा है, लेकिन इंडिया जिस तरह रिसेंटली मैंने बताया कि इंडिया ने S-400 जो लिया था रशिया से, वो बेसिकली इसलिए लिया ताकि रशिया और जो चाइना आपस में प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो रशिया जो ये महसूस ना करे कि इंडिया इज नो मोर आर पार्टनर, कि आइंदा आने वाले दिनों में जो दुनिया की जो बड़ी तारीख है वो इंडो पैसिफिक में लिखी जा रही है। एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस विद दिस क्वाड अलायंस बोलते हैं। ऑल्दो इसकी इनहेंसमेंट की बात हो रही है, G7 की इनहेंसमेंट की बात हो रही है, ब्रिटिश वहां आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, जर्मन आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी पॉजिटिव कॉम्पिटिशन जहां पे इंडिया इज बींग लेबल्ड एंड इंडिया इज बींग पार्ट ऑफ दैट। हमें और भी बाकी ममालिक से फायदा उठाना चाहिए और अमरीका और यूरोप के खिलाफ भड़के नहीं मारनी चाहिए, दैट शुड बी आर स्ट्रेटेजी। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर को कम से कम बोलना चाहिए और हमें दुनिया को ये कहना चाहिए कि डोंट लेबल अस विद अफगानिस्तान। ये जो 40 साल हम अफगानिस्तान के साथ लेबल हुए हैं और हम बेचते रहे हैं दुनिया को, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमें इकोनॉमी में चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन लाइक जिस तरह इंडो पैसिफिक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान के जो सोचने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं समझते कि इंडो पैसिफिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, याद रखिए, क्योंकि जो दो मेन क्रस्ट जो मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो वो अकेला नहीं करता, उसके इर्द गिर्द पूरा एक नेट होता है सबमरीन्स का, शिप्स का और सारा।
तो वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उन्होंने वहीं से ही लेनी है और समंदर से ही लेनी है, जो कि उनके लिए और सोइन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पाकिस्तान के लिए भी उतनी वैल्यू है। लेकिन प्राइमरली इंडिया वांट्स टू यूज दिस मोर फॉर जैसे कि ना ऑप्टिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। कल को किस तरह इसको इस्तेमाल कर पाएंगे वो आपकी बात है, लेकिन फॉर मोमेंट दे ये जो उनका जो कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ये ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं, दुनिया को बताने के लिए कि देखिए जनाब की चीजें मौजूद हैं। दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ एडवांटेज। और हम जो इसकी बात करते हैं कि जो इंडिया की जो सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, ये एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में उसके लिए भी चैलेंज है, हम पहुंचने चाहिए। बट दिस एयरक्राफ्ट कैरियर इज समथिंग ह्यूज फॉर इंडिया एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर इंडो पैसिफिक डिजाइन एंड फॉर